और चलिए अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ में, निष्पक्षता के साथ में, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए उनको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पढ़ाएंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं ज्योति जी आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूँ। सर, जो लिंक आज आपने उद्घाटन किया है वो 1 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा, सब लोग अपने डाउनलोड कर पाएंगे अपने नियुक्ति पर। इसके साथ साथ सर ये भी अवगत कराना चाहते हैं कि प्रथम बार हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग करने वाले हैं, 1 महीने के लगभग ऑनलाइन इंडक्शन ट्रेनिंग करेंगे। जितने भी नव चयनित अध्यापक गण आए हैं उनको सब चीज ऑनलाइन पठन पाठन और कैसे एक आदर्श शिक्षक बनना है और क्या चीज करनी चाहिए, डूज एंड डोंट सबका हम लोग करेंगे। सर, अब आपसे अनुरोध है कि इस शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माध्यमिक शिक्षा की राज्य मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, विभाग की अपर मुख्य सचिव, अन्य सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े हुए हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और सफलता पूर्वक आज शिक्षक के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में चयनित हो रहे सभी प्रदेश के हमारे युवा साथी, मैं आप सबको सबसे पहले शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पर इस सफलता के लिए हृदय से बधाई देता हूं। शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं भी आप सबको और आपके परिवारजनों को देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है कि अभी मुझे 7 अपने सफलतम जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक परीक्षा को सफलतापूर्वक पास करते हुए आज उन्हें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, उनसे मुझे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहां लखनऊ में मैंने 5 जो यहां पर सहायक अध्यापक चयनित हुए हैं उनको स्वयं नियुक्ति पत्र भी दिया है और जो ऊर्जा उनके पास है, जो उत्साह है, ये ऊर्जा, ये सकारात्मक ऊर्जा, ये सकारात्मक उत्साह ही वास्तव में समाज की सही ताकत है। ये ताकत ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, निरंतर आगे बढ़ाएगी। आपने पिछले 3-3.5 वर्षों में कुछ चेंज देखे होंगे। हमने पिछले 3.5 वर्षों में 3 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है और एक भी नौकरी में कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता। किसी भी विभाग की, किसी भी नियुक्ति की प्रक्रिया में जो 2017 अप्रैल के बाद से प्रारंभ हुई है उसमें कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हम प्रदेश के अपने युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचिता और पूरी पारदर्शी तरीके से इसके साथ उनके चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ सकें और उन्हें यथायोग्य सेवा का अवसर शासन की व्यवस्था में, विभागों में दे सकें। 3 लाख से अधिक नियुक्तियां अब तक हम कर चुके हैं और पिछले 6 महीनों के दौरान, कोरोना कालखंड के दौरान इसमें सुस्ती आई थी, लेकिन पिछले 1 महीने से प्रक्रिया फिर हमने तेज की है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा बेसिक शिक्षा परिषद के 31,227 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र इसी प्रकार से हमारे माननीय सांसद, विधायक और मंत्रियों ने वितरित किए और आज मैं माध्यमिक शिक्षा के माननीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, श्रीमती गुलाब देवी जी को, विभाग की अपर मुख्य सचिव और विभाग के अन्य सभी अधिकारियों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं
क्या 3,317 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न विद्यालयों में जो रिक्तियां थी उनको भरपाई करने और पठन पाठन का एक बेहतर माहौल मिल सके, इसके लिए उन्होंने इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। तकनीक हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकती है, हमने यद्यपि अपने सामान्य जीवन में इसको महसूस किया होगा, लेकिन कोरोना काल खंड के दौरान बहुत नजदीक से हम लोगों ने इसकी ताकत को जाना है, पहचाना है। खासतौर पर इस दौरान जिस तेजी के साथ कार्य हुआ है, चाहे वह योजनाओं का लाभ गरीबों तक देने का रहा हो, कोई सोच सकता था अगर 2 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देना होता तो एक तो इसके लिए समय खर्च करना पड़ता, इतने मैन पावर कहां से हम लोग लेके आते, दूसरा पैसा जब आप मैनुअली देंगे तो उसमें बीच में कुछ ना कुछ मीडिएटर तो घुस ही जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला, जनधन अकाउंट का लाभ क्या मिला कि एक बटन दबाया 2 करोड़ लोगों के खाते में किस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच गया। हमने 87 लाख गरीबों के खाते में, वृद्धजन, निराश्रित महिलाएं, दिव्यांगजन, इनके अकाउंट में इनकी पेंशन की एडवांस राशि और कोविड के दौरान भरण पोषण की अतिरिक्त राशि देने की एक प्रक्रिया प्रारंभ की। एक क्लिक में सभी 87 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच गया। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और माध्यमिक शिक्षा ने, बेसिक शिक्षा ने, तकनीकी शिक्षा ने, प्राविधिक और व्यावसायिक शिक्षा ने इस तकनीक का उपयोग करते हुए ऑनलाइन शिक्षण का कार्यक्रम भी इस दौरान तेजी के साथ आगे बढ़ाया। इसका परिणाम था कि 7 महीने से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे ऑनलाइन शिक्षा के साथ जुड़ करके अपने पाठ्यक्रम को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। इस दौरान मैंने अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत किया। मैं जब भी किसी बच्चे से बात करता था, किसी युवा से बात करता था, तो मुझे तत्काल वहां से बात आती थी कि साहब अब हमारा ऑनलाइन क्लास की समय हो गया, अब इस समय नियम बाद में बात करेंगे। मुझे अच्छा लगता था क्योंकि मैं तो जानबूझ के फोन उसी समय करता था कि ये लोग वास्तव में क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि वह अपनी ऑनलाइन क्लास के लिए, छोटे बच्चे हों या फिर यूजी पीजी वाले छात्र हों, सभी ने इसमें रुचि ली और बेहतर तरीके से विभाग के इस अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिली। और अब हम लोगों ने इस तकनीक का उपयोग चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करने और नियुक्ति पत्र के साथ साथ उन्हें कौन से विद्यालय का चयन होना है, अब इसमें पिक एंड चूज नहीं होगा, इसमें मेरिट के आधार पर उन्हें वे विद्यालय उपलब्ध होंगे जिसका वह हक है, हकदार बनता था, वे विद्यालय ईमानदारी से उसे प्राप्त हो जाएंगे। और आज 3,317 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया उसी पारदर्शी प्रक्रिया का हिस्सा है। आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बहुत सुना होगा। 2014-15 में तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम कुछ अन्य कारणों से जाना जाता था, लेकिन आज पिछले 3 वर्ष के दौरान निरंतर सुधार करते 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 आज आप देख सकते हैं कि हर छात्र एक विश्वास के साथ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है, हमारे माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं पर विश्वास कर रहा है, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की या बेसिक शिक्षा या पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया के साथ पूरा विश्वास कर रहा है। कल मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे 2017 के पहले कई बार सड़क से जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो मैं अक्सर देखता था सुबह के समय या शाम के समय सड़कों पर बड़ी संख्या में नौजवान दौड़ते थे और प्रैक्टिस करते थे।
मैं अक्सर गाड़ी रोक करके उनसे पूछता था कि भाई क्यों दौड़े हो, कहते साहब कभी पुलिस की भर्ती निकलेगी हम भी भर्ती होंगे। लेकिन जब भर्ती नहीं होती थी तो मैंने उन नौजवानों में निराशा भी देखी थी। और कल फिर मुझे वहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वे युवा कितने उत्साह से भरपूर थे, हर एक के मुंह पे एक बात थी कि साहब अब हमारे यहां भी हर एक युवा पुलिस की भर्ती हो, शिक्षकों की भर्ती हो या किसी भी शासकीय भर्ती हो, उसकी योग्यता के अनुसार उसे स्थान प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं हो रहा है और बड़ी संख्या में लोगों का चयन हो रहा है। 3 लाख की भर्ती जो पहले चरण में हमारी संपन्न हो चुकी है, इस सफलतापूर्वक शासन के विभिन्न विभागों में अपना योगदान दे रहे हैं। और इधर हम लोगों ने फिर से जो प्रारंभ किया है 31,227 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के चयन के बाद आज 3,317 सहायक अध्यापक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी सफलतापूर्वक आज यहां पर ये नियुक्ति पत्र हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, माननीय मंत्रियों के द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा अपने अपने जनपदों में उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले सभी चयनित जितने भी अभ्यर्थी हैं इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए बहुत बड़ा गुरुत्वदायित्व आपके ऊपर आ रहा है। देखिए शिक्षक, हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि एक शिक्षक वह शासन का कर्मचारी नहीं हो सकता, वह शासन का एक या समाज का नौकर नहीं हो सकता, वो समाज का मार्गदर्शक है। लेकिन मार्गदर्शक बोलने से नहीं काम चलेगा, इसके अनुरूप हमें स्वयं अपने आचरण से, अपने कृतित्व से उस प्रकार का व्यक्तित्व हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। और उस व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया के साथ आप सभी चयनित शिक्षकों को जुड़ना पड़ेगा। देखिए कोई संस्थान नाम तब कर सकता, मुझे याद है बेसिक शिक्षा परिषद की घटना है, हमारे एक जनपद में मैं ऐसे ही समीक्षा बैठक के लिए निकला था, मुझे एक जिलाधिकारी ने शिकायत की कि साहब हमारे यहां एक विद्यालय है और इस साल पिछले साल वहां 35 बच्चे रह गए थे, अगले साल इस मुझे लगता है नए सत्र में उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जो बच्चे कम जहां हो चुके हैं वहां पर उन्हें बंद करते हुए इन शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में अटैच कर लेंगे तो हमें शिक्षकों की कमी हमारी पूरी हो जाएगी। तो मैंने कहा आखिर बच्चे कम क्यों होते गए? तो उन्होंने कहा साहब पढ़ने पर रुचि नहीं लेना चाहते बच्चे। मैंने कहा भी बच्चे रुचि नहीं लेना चाहते हैं या वहां पे शिक्षक समय पे नहीं पहुंचते हैं और प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है? मैंने कहा वहां जाइए देखिए पहले क्या मामला है और मुझे पूरी जानकारी देंगे, इस बात की जानकारी देंगे विद्यालय में साफ सफाई कैसी है। ऐसा तो नहीं कि विद्यालय में बड़े बड़े पेड़ उगे होंगे, अंदर घास जमी होगी, गंदगी होगी, बालक बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं होंगे, पेयजल की व्यवस्था नहीं होगी, शिक्षक समय पे आते नहीं होंगे, कभी भी कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां जाकर के उस विद्यालय को ठीक करने की दिशा में चिंता कर सके, इसके बारे में कोई चिंता किसी ने नहीं की होगी, और फिर हम दोष बच्चों को दे रहे हैं। और जो आशंका मेरी थी वही सच साबित हुई, वही आशंका सच साबित हुई। विद्यालय में भवन में बड़े बड़े पीपल के पेड़ और बरगद के पेड़ जमे हुए थे, गंदगी थी, टॉयलेट नहीं थे, अव्यवस्थाएं थी। फिर मैंने दूरभाष से ही वहां पर इस बारे में कहा, मैंने कहा देखिए जो वहां के प्रधानाचार्य हैं उनसे इस बारे में अनुरोध करिए, प्रशासन उनका सहयोग करे, विद्यालय के जितने पेड़ जमे हुए ये स्वयं अपने हाथों से निकाल सकेंगे तो अच्छा होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार प्रयास करना पड़ेगा। अभिभावकों के साथ संवेदनाएं उमड़ती हैं और मुझे लगता है कि एक वर्ष के अंदर ही उस विद्यालय और उस प्रधानाचार्य का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ, राष्ट्रपति जी ने उन्हें पुरस्कृत किया। ये इसी प्रदेश का विद्यालय है और मुझे लगता है कि इस समय मेरे संज्ञान में आया है कोविड-19 के पहले
जो मैं विद्यालय की रैंकिंग देख रहा था, बच्चों की उपस्थिति देख रहा था, उसी विद्यालय में 350 बच्चे हैं। यानी एक शिक्षक चाहे तो समाज की व्यवस्था को व्यापक परिवर्तन ला करके उसको कर सकता है। आज ऑपरेशन कायाकल्प के अंदर हमारे माननीय सांसद, विधायकों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा परिषद के 90,000 से अधिक विद्यालयों को न केवल साफ सफाई की व्यवस्था के साथ एक मानक उसके सामने तय किया है, बल्कि वहां पे अच्छी फ्लोरिंग हो चुकी है, वहां पे आधुनिक शिक्षा देने के साथ साथ स्मार्ट क्लासेस के साथ उसको जोड़ने की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था। अगले 100 दिन का टारगेट हमने उनको दिया है कि अगले 100 दिन तक हर एक विद्यालय में पाइप पेयजल की स्कीम पहुंच जानी चाहिए, और सभी लोग मेहनत करके इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है माध्यमिक शिक्षा में भी ये कार्य हो सकता है, और माध्यमिक शिक्षा ने करके दिखाया है। हमें याद है 2017 में इससे पहले नकल के अड्डे बन चुके थे बहुत सारे विद्यालय, अन्याय होता था उन छात्रों के साथ जो साल भर मेहनत करता था, बाद में मेरिट में उसकी कम आ जाती थी और नकल करने वाला मेरिट में आगे बढ़ जाता था। लेकिन पिछले 3 वर्ष के अंदर जो व्यापक परिवर्तन हुए, एक नकल मुक्त परीक्षा, नकल विहीन परीक्षा जिस रूप में हुई है, ये देश के लिए मानक बना। इतना बड़ा 55-56 लाख बच्चे जिस माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं में बैठते हो, वहां पे नकल विहीन परीक्षा हो सके, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न हुई, एक भी बच्चे को जेल नहीं भेजना पड़ा। हां, नकल माफिया कुछ जेल जरूर गए। इसी प्रकार से परीक्षा पहले 3 महीनों तक चलती थी, 3 महीने परीक्षा, 3 महीने उनके रिजल्ट आने में लगते थे, 3 महीने फिर प्रवेश करने में लगते थे, और 3 महीने जो बचते थे उस पर्व और त्योहार में निकल जाते थे, तो पढ़ाई कभी होती भी नहीं थी, तो फिर निकल के अलावा बाकी बचता क्या था। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माध्यमिक शिक्षा परिषद को, इन्होंने 3 महीने की परीक्षा को 12 से 15 दिन में समेट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस वक्त आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने अध्यापकों की नियुक्ति पत्र को लेकर आज यहां पर पत्रकार वार्ता की। आपको बता दें लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप इस वक्त सुन रहे थे, जहां पर 3,317 अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उस वक्त संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने 2017 में भी माध्यमिक विद्यालयों में उन तमाम चीज़ों को देखा है, और कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को हमने देखा है। मैं कई विद्यार्थियों को फ़ोन लगाता था, कई शिक्षकों को फ़ोन लगाता था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या नहीं। उस वक्त मुझे पता चला कि नहीं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी क्लासेस को लेकर बेहद गंभीर हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।